स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं बाय स्टिल्स लाइक यू। ये कहानी मुशी की होती है जो आज फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और यूनिवर्सिटी में आई होती है। बहुत खुश है, न्यू लाइफ शुरुआत करूंगी। पर इस कॉलेज में आने का इसका मेन रीजन पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता भाई, बल्कि इसके हाई स्कूल का क्रश को देखना, उसे पटाना, उससे रिश्ता बनाना, उसको दबोच खाना होता है। यू इसका क्रश होता है जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है, पर यू नाम का कोई भी लड़का इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता। ये सुनकर मुशी काफी ज्यादा उदास हो जाती है, इसका मूड खराब हो जाता है और इसकी फ्रेंड इसको बास्केटबॉल कोर्ट लेकर जाती है। तभी इसके सर पर एक बास्केटबॉल आके लगती है और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यू होता है। और इधर हम जान पाते कि यू ने अपना नाम जीना रख लिया होता है, इसी वजह से ये मुशी को मिल नहीं रहा था। अब एक बार वहां दिख गया तो अगले दिन फिर से मुंह उठा के पहुंच जाती है उसको घूरने के लिए, पर आज नहीं आया होता। तो मुंह लड़का के लाइब्रेरी में घूमते हुए उसके बारे में सपने देख रही होती है। तभी जिना आकर इसे रात को डिनर करने को बुलाता है और इसकी तो धड़कनें तेज हो जाती है कि यार जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पे वो डिनर करने बुला रहा है। और खुशी खुशी शाम को रेस्टोरेंट के अंदर एक दो घंटे पहले ही सुंदर क्यूट सी बन के पहुंच जाती है। पर जिना अकेले नहीं आया, अपने दो दोस्तों को भी साथ लाया होता है। ये देख के मुशी का मूड खराब हो जाता है, पर मुशी शर्मा रही होती है कि क्रश बैठा, उसके दोस्त बैठे, मैं खाऊं कैसे इनके सामने, लड़की भी अब भूख भी लगी है, खा भी नहीं सकती है। अब जब ये बाथरूम चला जाता है जीना उठ के, तो चुपके से खाना उठाती है, फोन का बहाना करके बाहर जाकर खाने लग जाती है और जीना पर पकड़ लेता बाहर आकर, हंसता है इसके ऊपर, क्या ड्रामा भाई है। यहाँ से स्टोर में सामान खरीदने जाता है, बहुत सारे सामान खरीद लेता है, फिर इसको घर छोड़ने आता है, मतलब डॉर्म में इसके, और वहां पर इसको सारा सामान दे देता है। मुशी इसे सोशल मीडिया पूछती है कि क्या यूज करते हैं, पर ये बिना बोले चला जाता है। अगले दिन तक हद पार कर देते हैं, जीना की क्लास में जाकर बैठ जाती है उसका नंबर मांगने के लिए। टीचर पकड़ लेते हैं, चमकाते हैं सही से और फिर पूछते हैं सवाल, आंसर दे नहीं पाती पर जीना पीछे से आंसर दे देता है। क्लास के बाद ये पूछता है कि तुम भी इसी सब्जेक्ट को पढ़ती हो क्या, ये शर्म के मारे हाँ बोल देती है और फिर से इससे सोशल मीडिया पूछती है इसका, ये अपना नंबर ही दे देता है इसको। डॉर्म में आकर खुशी खुशी उसको स्टॉक करना शुरू करती है, हर जगह छाड़ मारती है उसको, इधर उधर सारी पसंद नापसंद चीजें देख लेती है उसकी, और ऑनलाइन देखती है ना, उसने स्टेटस लगाया होता है अभी कि वो लाइब्रेरी में, तो उसी रात कॉफी खरीद कर उसके लिए लाइब्रेरी के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो बाहर आता है तो ऐसा रिएक्ट करती है जैसे मैं ऐसे गुजर रही थी और तुम दिख गए, और फिर इसको कॉफी ऑफर करती है। जीना कहता है कि अगर मैंने ये पी लिया तो रात को सो नहीं पाऊंगा। इसे फिर रूम में छोड़ने जाता है, पर मुशी को तो खुली आंखों से सपने देखने की आदत हो गई है। इसको छत पे ले जाती है और इमेजिन करती है कि हमारी किस हो रही है, पर जीना तो मच्छर मार रहा होता है। दोनों कुछ टाइम छत पर बिताते हैं, तभी इसका फ्रेंड आकर ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि हमें एक फोटोग्राफर की जरूरत है। मुशी से पूछता है कि तुम कर दोगी, क्योंकि इसने सबको बोल रखा होता है कि मैं जर्नलिस्ट की स्टूडेंट हूँ, तो जिना को लगता है कि इसे फोटोग्राफी भी आती होगी, पर सच तो ये होता है कि इस लड़की को कैमरा तक पकड़ना नहीं आता। अब क्रश ने बोला है तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, और बस फंस जाती है ये। पर ये सोच रही होती है कि इसके पास चली जाऊंगी ना, कुछ आ जाएगी कर देती हूँ, तो अपनी रूममेट लियू से जाकर एडवाइस मांगती है लव के बारे में, कि किसी के साथ जब हम घूमते हैं, रहते हैं, टाइम बिताते हैं, तो उसको पटाएं कैसे। लियू स्कूल में अपने टाइम पर सबसे पॉपुलर गर्ल और उसे लव एक्सपर्ट भी कहा जाता था। एडवाइस के बाद ये मुशी कुछ दिनों तक इनके साथ प्रोजेक्ट में काप माम हेल्प करवा देती है, और प्रोजेक्ट के बाद पार्टी हो रही होती है, और ये बेवकूफ लड़की जानबूझ के हद से ज्यादा नशा कर लेती है इस उम्मीद में कि ये जीना मुझे घर छोड़ने जाएगा। ऊपर वाला ऐसा दिमाग किसी को ना दे भाई। खैर जीना इसे मना करता है पीने से, तो इसके फ्रेंड्स कहते हैं अरे पीने देना क्या हो गया, पर जीना इसको लेकर डॉर्म में चला जाता है। डॉर्म लॉक हो चुका होता है, अभी सोचते जाऊं तो जाऊं कहां, बड़ी खुश हो रही होती है कि चलो पूरी रात इसी बहाने जीना के साथ तो रहने को मिलेगा, पर मामला जमता नहीं है भाई, डॉर्म खुल जाता है और इसको अंदर जाना पड़ता है। रूम में आती है तो देखते है कि लियू जीना की फोटो को चूम रही होती है, मतलब इसका भी वही क्रश होता है, और जीना इसे जानता भी है, दोनों मिलते भी रहते हैं ये दोनों, है ना, और मुची भी इनके पीछे पीछे पहुंच जाती है चुपके चुपके नजरें रखने के लिए। यहीं पर हम यू नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो कि लिबू को स्टॉक करता है, ये उसकी क्रश होती है, उसको पसंद करता है। दोनों जल्दी ही पकड़े जाते हैं, यू तो भाग जाता है यहाँ से, पर मुशी पकड़ी गई होती है, इसे ना एनिमल कह के बुलाता है ये। मुशी इसे प्रोम में आने के लिए अपने साथ इन्वाइट करती है, पर ये मना कर देता है और ये मान जाती है। प्रोम डे भी आ जाता है तो सुंदर सी बन के जाने लगती है, पर रूममेट कहती है कि लाइब्रेरी की बुक तो वापस दे दो, टाइम हो गया है, 6 बजे तक अगर वापस नहीं करोगी तो स्कूल क्रेडिट लो हो जाएगा तुम्हारा। ये जाती है बुक देने पर एक बुक मिसिंग होती है, तो वापस रूम में आकर खोजती है, इसको याद आता है कि वो बुक इसने छत पे गिरा दी थी जब ये उस रात कॉफी के साथ जिना के साथ छत पर आई थी ना कूल बनने के लिए, तो वहीं पे डोर भी लॉक होता है। बहुत कोशिश करती है, फाइनली बुक को जमा करा देती है, पर क्या फायदा, लेट हो गई होती है, प्रोम में नहीं जा पाती है। और प्रोम में जीना उसका वेट कर रहा होता है, नहीं आई तो ये उसके पास पहुंच जाता है, वो छत के ऊपर होती है, ये कहती है कि मैं प्रोम अटेंड नहीं कर पाई और मेरा क्रेडिट भी लो चला गया है। अब इसे खुश करने के लिए जीना फोन में म्यूजिक चला गया, इसको डांस करने के लिए बुलाता है। दोनों यहाँ पर मस्त क्वालिटी टाइम बिताते हैं जो कि ना तुम्हारी किस्मत में है ना मेरी। खैर अगले दिन दोनों फोटोग्राफी क्लास में मिलते हैं। अब मुशी को ना मजा नहीं आ रहा होता फ्रेंड जोन में, नहीं रहना इसको, कहती है मुझे चाहिए फुल प्यार मोहब्बत।
देखो इंसान को कुछ भी दे दो उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। पहले देखने के लिए खुश हो जाती थी, फिर बात करके खुश होती थी, और फिर दोस्त बन गए उसमें भी इसको खुशी नहीं मिल रही। अब टीचर इन्हें ग्रुप प्रोजेक्ट दे देते हैं, मुशी का पार्टनर बनता है जीना, और सोचती है कि अच्छा होगा इसको इम्प्रेस तो कर ही दूंगी। प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाता है जिसके लिए ये लोग डे आउट पर जाते हैं, बाहर काम करते हैं, काम के बाद वहीं बैठ के खाना खाते हैं, और ये सब जीना लेकर आया होता है। पर तभी बारिश शुरू हो जाती है और ये जाकर वहीं पे छुप जाते हैं, और इसको ये अपना जैकेट पहनाता है, फेस से पानी को पोंछता है। बस भाई बहुत रोमांटिक माहौल होता है, तभी बारिश बंद हो जाती है। बारिश बंद हो गई, मुशी का तो दिमाग खराब हो जाता है। शाम को जिना वीडियो एडिटिंग का काम मुशी को देता है जो ये लोग शूट करके लाए होते। ये खुश हो जाती है और मान लेती है, पर एडिटिंग की क्लास तो नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होने वाली है तो ये सीखेगी किससे। ये अपने जाकर सीनियर से हेल्प मांगती है, और कुछ ही दिनों में इनके शूट भी शुरू हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये लोग मूवी शूट कर रहे होते हैं और मेन कैरेक्टर यही दोनों होते हैं। यह काफी मस्ती होती है, पर अचानक लीव आ जाती है और कहती है मुशी की जगह मैं काम करूंगी। डायरेक्टर भी खुश हो जाता है कि यूनिवर्सिटी की सबसे पॉपुलर और खूबसूरत लड़की काम करना चाहती है तो पॉपुलर हो जाएगी फिल्म, तो मुशी को निकाल देता है और इसको रख लेता है। मुशी कुछ कर भी नहीं सकती, पर जिना को ये बात पसंद नहीं आती है तो ये मूवी को ही छोड़ देता है। शाम को यू मुशी के पास आता है और इसको ना डबल डेट की प्लानिंग बताता है अपनी, कहता है कि तुम जिना के साथ डेट कर लेना और मैं लियू के साथ कर लूंगा। और फिर ये लोग चारों जाते हैं अगले दिन मस्ती करने के पिकनिक पर। अब यू अपनी क्रश लियू को जलस फील करवाना चाहता है, ये जानना चाहता है कि उसके मन के अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है कि नहीं। तो ये मुशी के साथ कुछ टाइम बिताता है, कुछ रोमांटिक चीजें करता है, लियू को खाक फर्क नहीं पड़ रहा होता, कुछ नहीं देखती तक नहीं, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता यू के अंदर। उल्टा ना जीना जलने लग गया होता है कि मुशी यू के साथ ये सब क्या कर रही है। डबल डेट की बैंड बज जाती है, यू बेचारा उम्मीद में था कि लियू जलेगी, पर उसे तो भाई मतलब ही नहीं होता इससे। जाने से पहले लोग गेम खेलते हैं कि हम में से अगर कोई किसी को भी लाइक करता है तो वो बता देगा। अब दोनों लड़के इंतजार में होते, एक्साइटेड होते हैं कि ये जो है ना जीना किसका नाम लेगा हम दोनों में से, पर जीना गुस्से में कुछ कहता नहीं है। और डोम में आकर मुशी पूरी रात सोती नहीं है, ये सोच के निकाल देती कि अगले दिन वो किसका नाम लेगा, और सुबह सुबह उसका मुंह पे पहुंच जाती पूछने के लिए कि तुम किसको पसंद करते हो। जीना गुस्सा होता कल के लिए कि तुम यू के साथ क्यों चिपक पिपक रही थी, है ना। अब ये तो पीछे पड़ जाती है इसके, और मनाने के लिए दिन भर ऐसे उसे घूमती रहती पीछे पीछे, और खाना खाने को भी कहती है अपने से, बहुत कोशिशें कर लेती है, पर जीना इसको जलील कर देता है। इसे बारिश में आकर बहुत रोती है सोच के कि जीना सा लू को पसंद करता है। तभी अम्ब्रेला लेकर आता है जीना और डिनर पर इनवाइट करता है। ये सुनकर मुशी बहुत खुश होती है, डोम में आकर चेंज करती है, और तभी लू आ जाती है, कहती है कि कल जीना को मैं अपनी दिल की बात बता दूंगी। अब मुशी डर गई होती है, अगले दिन ना पूरे दिन जीना को साथ में लेकर घूमती रहती है, रोड पर घुमाती है, पूरे सिटी में यहाँ वहाँ, मतलब पूरे दिन घूमते लोग, और रात हो जाती है ना आधी रात, तब यूनिवर्सिटी में वापस लेकर आती है। पर लियू भाई वेट कर रही थी, मस्त ब्लैक ड्रेस पहन के आई होती है, जीना तो मना कर ही नहीं पाएगा ऐसे देख के उसको। साइड में ले जाके कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, और ये बात काफी अजीब लगती है मुशी को, और यहाँ से जाने लग जाती है। तभी गिर जाती है, पैर तुड़वा बैठती है। जल्दी से जीना हॉस्पिटल लाता है इसको उठाकर, फिर जब डिस्चार्ज होती है तो इसको होटल में लेकर जाता है, दोनों सो जाते हैं, और फिर जीना इसको किस करने लगता है। पर सैड मुशी का यह बस सपना था, जीना ऐसा नहीं है, वो होटल में इसको बैठा कर और वापस से घर चला जाता है। अगली सुबह इसको लेने आता है होटल से, फिर डॉम में लेकर जाता है, डॉम से कॉलेज में, खाना भी खिलाता है इसको, उसकी अच्छे से केयर करता है, होमवर्क भी करवाता है इसका, इतना कुछ तो मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए ही करता है, तो फिर कन्फेस क्यों नहीं कर रहा होता है, मुशी ऐसा सोच रही होती है। और अगले दिन शॉपिंग, फिर लंच, बहुत मस्ती करती है लोग, और वहीं पर लंच करते हुए ना मुशी की स्कूल फ्रेंड आ जाती है जो कहती है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या। मुशी कहती है अरे नहीं, हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं। अब ये सुनकर जीना नाराज हो जाता है, जाने लग जाता है, और कहता है चली जाओ यहाँ से, हम बस दोस्त है। मुशी भड़क कर कहती है कि मिक्स सिग्नल क्यों दे रहे थे तुम मुझे, अगर दोस्त हो तो तुम, मैं तुम्हें हाई स्कूल से पसंद करती हूँ, तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते हो, और ये बोल के रोते हुए भाग जाती है। उसी टाइम से मुशी ने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया कि दोबारा दिल ना तोड़ दे मेरा। लियू को भी खबर मिलती है तो उसको संभालती है, और अगले दिन पहुंच जाती है जीना के पास, खूब सुनाती है उसको, बोलती है अबे प्यार करती है तुझसे, वो बचपन से ये, वो बहुत कुछ बोलती है, तुम्हें उसे अच्छा बिहेव करना चाहिए। तो ये मैसेज करके मुशी को लाइब्रेरी मिलने बुलाता है और उसको लंच का पूछता है, पर ये मना कर देती है और चली जाती है। या यू ने भी लियू को आज प्रपोज कर दिया होता है, ये कहती है ना कि मुझे एक पार्टनर चाहिए, तेरे जैसा परेशान करने वाला इंसान नहीं, और गंदा रिजेक्ट करती है इसको। अब ये ना रोड जा रही थी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज के बाद, ये बेचारा रोता हुआ यहाँ से चला जाता है, मतलब भाई इसका दिल बहुत बुरा टूटा होता है। कुछ दिन बाद मुशी का बर्थडे आ जाता है, और जीना इसको छत पर बुलाकर सरप्राइज देता है और अपनी फीलिंग कन्फेस करता है, और बताता है कि मैं भी तुम्हें हाई स्कूल से पसंद करता हूँ, तुम भी मेरी क्रश हुआ करती थी, और ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है दोस्तों, याद रखना। और ये रोते हुए इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, किस करते दोनों, एंड डेटिंग शुरू हो जाती है। और सीन आ जाता है एक महीने बाद, मुशी और जीना लियू से मिलने आए होते, ये रोड जा रही होती ना बस में बैठ के, यू भी यहाँ पर आ जाता है, बस को रुकवाता है, बस में घुस के ये बोलता है कि मैं भी अब रोड जा रहा हूँ।
इसने पूरे एक महीने रूम में बंद होकर पढ़ाई की है ताकि उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सके, अच्छे ग्रेड ला सके और वहाँ पे सीट अपनी पक्की कर सके ताकि लिवू को ज्वाइन कर सके वहाँ पर। अब ये सुन के लिवू पहली बार शर्माती है और फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं और इस तरह से दोनों कपल मतलब मिल जाते हैं जो थे, और इधर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर देखना होता है किसी को तो यूट्यूब पे आप लोग सर्च करके देख सकते हो, पूरा ड्रामा आप लोगों को मिल जाएगा। ओके तो या लाइक कर देना वीडियो को। बाय।